अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राजा सरोज सुहेब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैनल बॉक्स। आज हम मौजूद हैं आईकैस के ग्राउंड के अंदर, जहां पे आईएमडीसी इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज का जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो जारी है और इस वक्त फुटबॉल मैच चल रहा है बिटवीन टू डिफरेंट टीम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आईएमडीसी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबल हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कम्पीट कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी फिटनेस के लिए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम जाके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स हैं, उनसे जाके बात करें और जानने की कोशिश करें कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स स्पेशली फुटबॉल का उसमें होना कितना ज़रूरी है फॉर ओवरऑल देयर फिटनेस, देयर मेंटल हेल्थ एंड यू नो अदर थिंग्स। सो स्टे विद अस, लेट्स गो एंड टॉक टू एवरीवन ओवर हियर। और इस वक्त मेरे साथ जो फुटबॉल या मैच हो रहा है उसके इंचार्ज मौजूद हैं। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? आई एम डॉक्टर बिलाल मुस्तफा, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट इन चार्ज ऑफ योर फुटबॉल इवेंट आईएमडीसी। सर व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द व्यूअर्स राइट नाउ अबाउट दिस इवेंट जो कि इस वक्त जारी है एंड स्पेशली कंसीडरिंग इट्स अ फुटबॉल मैच बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ आईएमडीसी स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आई मीन फुटबॉल तो एक वैसे ही इतनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स, और अपने कॉलेज के लेवल पर यंग स्टूडेंट्स को इस एक्टिविटी में देखना डेफिनेटली इट्स एन इनकरेजिंग थिंग। पढ़ाई के साथ इस किस्म की एक्टिविटीज़, दी आउटडोर इवेंट्स, ये बहुत आई मीन नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ दी हेल्दी एक्टिविटी, ये ओवरऑल आपका मोरल बूस्टिंग एक्टिविटी होता है, आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प आउट करता है। द फिज़िकल हेल्थ कम्स फर्स्ट, इफ़ यू आर फिजिकली गुड यू विल बी मेंटली गुड। So, बहुत अच्छा स्टार्टर, दिस इज़ द फर्स्ट मैच, अब तक तो इट हैज़ बीन एंटरटेनिंग, अ हाई स्कोरिंग मैच, सो विश ऑल द टीम्स बेस्ट। जिस तरह आपने ऑलरेडी बताया कि डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स की फिजिकल फिटनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के इवेंट्स, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल द व्यूअर्स एज वेल कि वो किस तरीके से ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली बेहतर बनाने के लिए। एब्सोल्युटली, देखें द मेन इशू इज़ द रिसोर्सेज, I mean the kind of ground that we have right here, I would love to have such kind of a ground in IMDC as well. Wahan par hamare paas volleyball ground hai, if we can come up with some outdoor ground system where cricket and all those things available, to hum apne level pe bhi ye kaam kar sakte hain. But for a common person, a common student, simply a 30 minutes of jogging is good enough to create this kind of a healthy response in your body. और जो पहला मैच था आप देख सकते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है और अब दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला है। आई कैन ऑलरेडी सी कि जो टीम है सामने लुक्स वेरी प्रिपेयर्ड एंड हम आपके साथ रहेंगे, आपको कवर करके दिखाएंगे कि आगे जो मैचेस हो रहे हैं उनके अंदर कौन सी टीम जीती है। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। और इस वक्त मेरे साथ विनिंग टीम के कैप्टन मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। वकार बिन सैफ। वकार, कैसा मैच रहा? टफ कंपटीशन था एंड फाइनली आई कैन सी दैट यू वन द मैच, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैच इट वाज द टीम दैट वाज नॉट सो मच टफ, बट ड्यू टू सन इट वाज वेरी हार्ड, सो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू प्ले मच बेटर एंड जस्ट वी लैक वन थिंग, इट वाज दैट वी डिड नॉट coordinate, so basically we are going to focus on our coordination and inshallah we will give a good performance. So can you tell me about one of your players jo ki aapko lagta hai ki aapki team ke sabse strong player? Look, everybody is good, but today the performance basically goes to Hamza played very well and it was his coordination with the team, so all of us are very good, no doubt, and you know when the team wins, it basically is on their teamwork. I think it's very important ki aap jaise jo young doctors hain, jo students hain, wo physical activity jo hai is tarah ki uske andar participate karte rahe. Aap kya batana chahenge about your experience by you know playing football or any other sport that you have in life, kitna important hota hai aapke andar aapki zindagi ke liye? Definitely sports is a integral part of keeping ourselves refreshed and it's like a rehabilitation for us as well. We as becoming doctors, we also need breaks and we also need a recycling sort of a things to actually get back to our normal lives. So sports is like a good escape for us and it's actually good in terms of rehabilitation.
आपको mentally कितना help करता है? You like you just said it's very good for your rehabilitation, especially when you have such stressful you know routine going on. You have to study, you have to do other things. Mentally कितना important आपके लिए? Definitely it's mentally very integral because during your sports you're having a lot of metabolism going on and you burn a lot of energy. And what happens is that when you actually burn you utilize your energy, you're actually relieving by a lot of stress. Your body is having that positive sort of stress that is required and which helps you improve in terms of getting into other sort of escapes. आप रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे साथ जो यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया है वो किस तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं इन स्टूडेंट्स के लिए उनको बेहतर बना सकते हैं? देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स लाजमी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि उन्हें पता. देखें, यूरोप मुल्क में आप कहीं भी किसी कंट्री में भी चले जाएँ, जो भी हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, हम वहाँ लोग गए, वहाँ उन्होंने स्पोर्ट्स पे स्पेशल एक उनके पूरा सेशन होता है शाम के टाइम. स्कूल के जो बच्चे या स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो शाम को लाजमी ट्रेनिंग के लिए आते हैं. हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर दिया, हम कहते हैं जी स्पोर्ट्स एक फारग वक्त है, फारग टाइम है ये स्पोर्ट. हालांकि स्पोर्ट्स अगर हो तो आपके अस्पताल वीरान होते हैं, ये तो जुमला आपने सुना होगा. मगर मेरी यही रिक्वेस्ट है स्कूल और यूनिवर्सिटी इंतजामिया पे कि वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें. इसी से हमारा माशरा बिल्डअप होगा, इसी से डिसिप्लिन आता है, इसी से मैनेज करना आता है सब कुछ. ये बिल्कुल सही बात की और आई होप जो इस वक्त लोग हमें सुन रहे हैं इंतज़ामिया की या चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं उनके अंदर इस तरह की डिफरेंट जो मैचेस हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है. और हमारा फोकस जो है वो सिर्फ ना क्रिकेट की तरफ हो बल्कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जिनकी तरफ होना चाहिए. सो ऑन दैट वी आर गोना गो समवेयर एल्स, स्टे विद अस. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MBBS के कैप्टन जो कि अनफॉर्चुनेटली मैच हार चुके हैं, बट आई सॉ कि आपने काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया है, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ओवरऑल मैच जो आप कर रहे हैं अभी? यार देखो, इसका सीन यही है कि ग्रुप स्टेजेस हैं, हम लोगों ने वी गेव आर बेस्ट, तो देखते हैं. वी हैव टू मोर मैचेस, होप विल डू ग्रेट. व्हाट्स बीन योर स्ट्रॉन्गेस्ट साइड सो फार? टीम मोटिवेटेड बहुत थी व्हेन यू आर अप अगेंस्ट द ऑड्स. हमें पता था सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खेल रहे, बहुत मोटिवेटेड थी. 1-0 पे उनको होल्ड किया, फिट सीन था. How are you going to rate the performance of जो अभी टीम जीती है आपसे? क्या उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला या उनकी लक थी वो जीत? PDS की टीम में ज्यादा ज्यादा मेरे दोस्त ही थे, तो आई होप दे विन एक्चुअली. तो होपफुली अच्छा कंपटीशन होगा, लेट्स सी क्या बनता है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द इवेंट. अच्छा सर, मुझे ये बताइए मैचेस जो इस वक्त चल रहे हैं उनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा अच्छी टीम कौन सी लग रही है इस वक्त? सर, टीम्स तो सारी अच्छी हैं, अपना सारे अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन जो BDS है दे आर ऑन फायर, तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं. जैसे अभी फर्स्ट हाफ हुआ है तो उन्होंने एक गोल भी किया है, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं. ओवरऑल आप इस तरह के इवेंट्स को कैसे रेट करेंगे? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल होनी चाहिए. जैसे कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, तो MBBS और BDS में उनके तो पहले ही बहुत हेडेक होता है, तो वो पढ़ाई की फ्रस्ट्रेशन वगैरह से दे आर जस्ट वो फेड अप होते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज से उनकी जो मेंटल ग्रोथ है और फिजिकल ग्रोथ है वो दोनों इनहेंस होती हैं. आई वांट टू आस्क यू, आप मैच देख रहे थे, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कौन सा जो टीम है आपको लग रहा है इस वक्त साथ ज़्यादा बेहतर खेल रही है? सो फार तो BDS की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ऑल यूनाइटेड BDS है, फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर सारे साथ हैं. और इनकी टीम की अच्छी बात है, इनके अंदर हमारी जो IMDC की मेन कोर टीम है जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेज के, उसके 3 से 4 टॉप प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, सो इट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ. बट जो फोर्थ ईयर है, उनकी जो राइवल है, वो उनकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. उनके ना एक है हमारी मेन टीम का प्लेयर, बट ये है कि उनकी ओवरऑल क्लास की मोटिवेशन ज़्यादा नज़र आ रही है. BDS थोड़ी सी प्रेस्ड आ रही है, फील ओवर कॉन्फिडेंस है प्रॉबली, बट आई थिंक प्रॉबली क्राउड भी यही कह रहे हैं कि BDS. अच्छा, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू हैव सच ग्रेट नॉलेज अबाउट दिस. आई थिंक वी कैन सिट डाउन विद यू द होल डे एंड टॉक अबाउट दिस मैच. डेफिनेटली आई वांट टू आस्क यू अनदर थिंग कि ये जो मैचेस होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जनरली आप डॉक्टर बन रहे हैं और आपके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, उनके लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल रूटीन होती है, आपको पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो फिर जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, हाउ डज इट गिव यू अ सेंस ऑफ रिलीफ? सो इसमें होता है कि लाइक ये साल के एक दफ़ा होता है, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर रियली एंटिसिपेटेड टूवर्ड्स दिस इवेंट. और इसमें सबसे मेन बात ये होती है कि जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है पढ़ाई की वजह से,
बिकॉज बहुत बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई है तो उसकी वजह से वी नीड अ सोर्स जिससे हम रिलीव कर सकें उस स्ट्रेस वो एक एग्जर्शन निकालें एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ वाइज भी हम पढ़ते भी ये चीज़ हैं सेकेंड ये कि एज अ टीम वर्क आप बिल्डअप करते हो जिन क्लास में लोगों को आप नहीं भी जानते उनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं आपस में एक फ्रेंडली एटमोसफेयर बनता है कॉम्पिटिशन का और इसी के साथ हम डे वन के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं आई होप आपको ये कवरेज जो है वो पसंद आई होगी IMDC के स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वक्त भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखे हैं मेरे पीछे देख सकते हैं जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले इवेंट के ऊपर जो कि कल है डे टू पे विद अदर मैचेस फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू City2 TV अगर आप कोई भी कॉमेंट देना चाहते हैं कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे हमारे फेसबुक पेज पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें लाइक करें सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़